हमारे साथ तो ये होता था, अर्पित माहेश्वरी जो थे ये फर्स्ट ईयर का, आपको उसका किस्सा बताता हूँ। एक किस्सा जो है, अब बात छिड़ी गई है तो यार, हम कंप्यूटर साइंस में थे सारे हम, ठीक है। तो हॉस्टल्स में क्या था कि हमको पास पास में कमरे मिले थे। अब यार एक पे, अब पहला सेमेस्टर था साला, हम पढ़े तो थे नहीं, मस्ती मजाक में एकदम फुल सेमेस्टर निकल गया। मालूम पड़ा यार एग्जाम आ गए अभी 10 दिन बाद में। तो भाई साहब किताबें ढूंढी, अबे कौन सी किताब से, मतलब प्रोफेसर कौन सी किताब से पढ़ाने, कई क्लासेस तो जाते नहीं थे, तो यार ये प्रोफेसर कौन सी किताब से पढ़ाते हैं वो लेके आए, पिछले सालों के पेपर वेपर लेके आए, और 10 दिन पहले से पढ़ाई चालू करी भाई साहब। और फिर पढ़ने लगे पढ़ने लगे पढ़ने लगे, फिर 4 दिन बचे थे, है ना। मैं आपको मस्त एकदम अर्पित माहेश्वरी किस्सा बताता हूँ। देखो तो भैया सारे दोस्त हम बैठ के पढ़ रहे हैं, यार तू ये चैप्टर पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, तू ये पढ़ ले, फिर एक दूसरे को समझा देना यार, भाई ऐसे ही चलता है वहाँ पर, मेल बांट के काम होता है, सबका एक कॉमन गोल होता है, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन नहीं होता है कि यार कौन ज़्यादा आगे बढ़ेगा पढ़ाई में, वहाँ ये रहता है यार भैया सब मिलजुल के पास हो जाए। तो अब हम क्या पढ़ रहे थे, सेमेस्टर भर कुछ ऐसे पढ़ा नहीं था ज़्यादा कुछ, तो लास्ट के 10 डेज में पढ़ाई चालू करी थी, तो उसमें पढ़ने लग गए। अभी अर्पित जो है ना, ये हम सब, मैं आपको सीन मेरे को पूरा अच्छे से याद है, वो क्या हुआ था, हम बैठ के पढ़ रहे हैं, मेरे रूम में बैठ के पढ़ रहे थे, अभी अर्पित मेरे बगल में रूम में था, 4 साल मेरे साथ बगल में रहा ही है, IIT बॉम्बे में भी और कोटा में भी जो है ना साथ में पढ़ाए मेरे ये, ठीक है ना। 2 साल 11th 12th हम साथ में ही थे, फिर IIT बॉम्बे में भी बगल बगल के रूम में थे, फिर हम दोनों की कंपनी भी सेम थी बैंगलोर में गोल्डमैन सैक, और अब ईसरल में भी साथ में ही है यार। तो ऊपर वाला जो है साथ बना के भेजता है कुछ दोस्तों का यार। तो वो तो चलो किससे पे आते हैं वापस से, तो यार 4 दिन पहले आता है ये, बोलता है यार कौन सी किताब है जिससे पढ़ना है, और जो ये सब्जेक्ट का एग्जाम आने वाला है 4 दिन बाद में एंड सेमेस्टर, कौन सी किताब है। हम सब शॉक्ड देख रहे हैं उसको, यार भाई साहब अबे ये तो गया बेटा, इसने बहुत माउंटेनियरिंग करी है भाई साहब। हर सैटरडे संडे को है ना अर्पित माउंटेनियरिंग के लिए निकल जाता था, बॉम्बे के पास में बहुत पहाड़ हैं, वो पूरे जो वो वेस्टर्न घाट्स और वो है ना उधर, हर हर सैटरडे संडे को भाई साहब किसी पहाड़ पे मिलते थे, ट्रैकिंग के लिए निकल जाता था। कुछ नहीं पढ़ा ये, सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब अर्पित सुन रहा होगा तो बोलेगा साले तू सारी यहाँ पर सारी बातें बता दे, पर एनीवे तो ये ना 4 दिन पहले आता है, ये बोलता है यार कौन सी किताब है। तो हम एक्चुअली में डर गए, यार ये तो गया इस बार बेटा, ये तो पास ही नहीं हो रहा इस बार, सेमेस्टर भर इसने ये जो है वहाँ पर बैंड बजाई है खुद की, ठीक है ना। वहाँ टर्म अलग यूज़ करते थे, पर मैं यार थोड़े से सोबरनेस के लिए टर्म अलग यूज़ कर रहा हूँ, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। तो यार ये गया, फिर भी चलो आउट ऑफ कट से पुराना दोस्त है यार, ठीक है, कोटा में भी साथ में था, उसको मैंने किताबों के नाम बता दिए थे ये किताब है, वो चुपचाप चले गया, लिटरली बता रहा हूँ चुपचाप चले गया वो, ठीक है। हम फाइट मार रहे हैं फाइट मार रहे हैं, 2 दिन बीत गए, ठीक है ना, और 2 दिन बचे थे। तो फिर वो आता है, वो पता है क्या बोलता है, यार इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है क्या। हमारी सबकी बैंड बजी, बोलता है यार इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना है क्या भाई। मैंने कहा यार भाई हम 10 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं मिलकर, ये इतनी मोटी किताब जो है ये अभी तक सॉल्व नहीं, और तू पूछ रहा इसके अलावा भी कुछ और करना है, तूने पढ़ ली क्या। तो कहता हाँ यार मैंने पढ़ ली, जो सिलेबस आने वाला है वो मैंने पूरा कवर कर लिया। मैं कहा जरा फेंक रहा है ये, ऐसा हो नहीं सकता यार, 10 दिन से 5 लोग बैठ के मेहनत कर रहे हैं, वो भाई साहब जो है कि हाँ मैंने पढ़ ली पूरी यार वो। तुमने कहा चल बता कुछ क्वेश्चन पूछे, भाई ने आंसर कर दिया यार एकदम, यार तुम मतलब सही में उसने पढ़ ली। फिर पता है क्या हुआ, फिर उसको पकड़ के बिठाया और बोला गुरुदेव आप पढ़ाओ सबको अब। तो भाई साहब फिर अगले 2 दिन उसने, हम सारे 5-6 जो दोस्तों का ग्रुप था ना उनको उसने पढ़ाया फिर फाइनली, और फिर सब जाके पास हुए।